नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, सपा और आरएलडी के चुनाव में साथ आने पर अब बात फाइनल हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने फिर से मुलाकात की है। 7 तारीख को मेरठ के दबथुआ में दोनों नेता एक साथ बड़ी रैली में एक मंच पर होंगे। यहीं पर सीटों का अलायंस का ऐलान किया जाएगा, यानी अब सपा और आरएलडी में ये तय हो गया है कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा। आरएलडी शुरुआत में 60 सीटें सपा से मांग रही थी, लेकिन सपा 30 सीटें देने को तैयार थी। अब ये माना जा रहा है कि 36 सीटों पर बात बन गई है और कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती हैं जहां सिंबल सपा का हो और प्रत्याशी आरएलडी का। पश्चिमी यूपी में माहौल बदला हुआ है, आरएलडी के लिए माहौल भी दिख रहा है। जैन के जुड़ने से सपा को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान बिल वापसी के बाद माहौल को अपनी तरफ करने में लगी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। इससे पहले भी जयंत ने अखिलेश से मुलाकात की थी तो दोनों नेताओं ने ट्विटर पर अपनी तस्वीरें शेयर की थी। अखिलेश ने बदलाव की ओर की बात लिखी थी तो जयंत ने लिखा था कि बढ़ते कदम, तभी यह तय हो गया था कि सब फाइनल हो गया है। जो एक दो बातें बाकी रह गई हैं, वो अब पूरी हो गई और बस 7 को ऐलान होना बाकी है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।